शाम का ढलता सूर्य, समुद्र किनारे बहती लहरें, आसमान में उड़ते पक्षी हमें हमारे जीवित होने का एहसास दिलाते हैं। हम मनुष्यों ने हमारे आशियां, इस नीले ग्रह को हमारी जरूरतों अनुसार बदला है। हमने समय के साथ अपनी जरूरतों को समझा और हम मनुष्यों ने कुछ ही सालों में अपने लाइफस्टाइल को काफी ज्यादा चेंज किया है। आज के हमारे स्मार्टफोन्स नासा के उन कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हैं, जिनसे मून मिशंस को लॉन्च किया गया था। हमारी टेक्नोलॉजी भी उसी रफ्तार से एडवांस हो रही है जिस रफ्तार से हमारी मनुष्य जाति एडवांस हो रही है। आज के हमारे कंप्यूटर्स में इतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है कि हमारी कंप्यूटर गेम्स और सिमुलेशंस काफी ज्यादा रियलिस्टिक हो गई हैं। लेकिन सोचिए कि आने वाले कुछ 100,000 या लाख सालों में हमारे कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और वो कंप्यूटर्स हमारी इन सिंपल गेम्स या सिमुलेशन की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस को भी इजीली हैंडल कर पाएंगे। अब सोचिए कि तब की वो एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन एक ऐसी सिमुलेशन को रन करे जिसका स्केल हमारे यूनिवर्स के जितना बड़ा हो, यानी कि एक ऐसी सिमुलेशन जो हमारे यूनिवर्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज और जीवन को भी सिमुलेट कर पाए। अगर ये पॉसिबल है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि अभी हम एक सिमुलेशन में नहीं है? इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। सन 1970 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन कॉनवॉय ने एक गेम को क्रिएट किया जिसे उन्होंने नाम दिया द गेम ऑफ लाइफ। यह गेम एक जीरो प्लेयर गेम है जिसमें शुरुआत में ही कुछ कंडीशंस को हमारे द्वारा पुट किया जाता है और जिसके बाद ये गेम खुद से ही चलती है। इस गेम में कुछ पैटर्न्स लगातार कुछ जेनरेशंस तक बनते और टूटते रहते हैं, और कुछ पैटर्न्स कुछ जेनरेशंस के बाद खत्म हो जाते हैं। कुछ सिंपल रूल से चलने वाली ये सिमुलेशन इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी कि इसने सभी लोगों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फ्यूचर का एक वाइड व्यू दिखाया। इसके बाद से ही वैज्ञानिकों ने ऐसे फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया था जो पूरे यूनिवर्स की सिमुलेशन को रन कर पाएंगे। इसके बाद सन 1999 में आई साइंस फिक्शन मूवी द मैट्रिक्स ने सिमुलेटेड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को हमारे सामने एक काफी डिटेल्ड व्यू में पेश किया। इस मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट लियो लोगों को फिजिक्स ला वायोलेट कर दीवारों पर चलते हुए और उनको अचानक गायब होते हुए देखकर दंग रह जाता है। यूनिवर्स के लॉस की ये सुपर ह्यूमन वायोलेशन इसलिए पॉसिबल थी क्योंकि नियो से अज्ञात नियो की कॉन्शियसनेस मैट्रिक्स में एम्बेडेड थी, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन थी जिसे सेंसिटिव मशीन्स द्वारा बनाया गया था। असल कहानी तब शुरू होती है जब नियो को एक वाइटल चॉइस दी जाती है, नीली गोली ले लो और अपने गुमनामी वर्चुअल एग्जिस्टेंस में लौट जाओ, या मैट्रिक्स के बारे में सच्चाई जानने के लिए लाल गोली ले लो और पता लगाओ कि ये रैबिट होल कितना गहरा है। हमारे यूनिवर्स की सच्चाई खोजने का पहला सीरियस अटेम्प्ट सन 2001 में किया गया था जब यूनिवर्स के साइज के सिमुलेशन के लिए रिसोर्सिस की कैलकुलेशन का अटेम्प्ट किया गया था, और इस अटेम्प्ट ने इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से इम्पॉसिबल बताया था। MIT के एक क्वांटम मैकेनिकल इंजीनियर सेथ लॉयड ने अनुमान लगाया कि बिग बैंग के बाद से हमारे यूनिवर्स ने जितने कंप्यूटिंग ऑपरेशंस किए हैं, मूल रूप से हर घटना जो भी कभी हुई है उसे दोहराने के लिए और लास्ट एटम तक रियलिटी की एक परफेक्ट रेप्लिका जनरेट करने के लिए यूनिवर्स में मौजूद एनर्जी की तुलना में अधिक एनर्जी लगेगी। लेकिन अन्य लोगों ने जल्द ही महसूस किया कि यूनिवर्स की एक इम्परफेक्ट कॉपी बनाना जो उसमें मौजूद निवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए काफी रियल हो, वो कम कंप्यूटिंग पावर लेगी। इस तरह से एक शानदार यूनिवर्स में माइक्रोस्कोपिक दुनिया और सबसे दूर के तारे का डिटेल्ड व्यू प्रोग्रामर्स द्वारा रेयर ओकेशंस पर बनाया जा सकता है जब लोग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जैसे ही उन्हें कोई देख नहीं रहा होगा, वो बस गायब हो जाएंगे। फिजिकली हमने कभी भी इन गायब होने वाले फीचर्स को नहीं देखा, क्योंकि जब भी सिम्युलेटर ने देखा कि हम उन्हें देख रहे हैं तो वो उन्हें वापस से स्केच कर देते हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गेम्स में हमें कई ऑब्जेक्ट उनके करीब जाने पर ही दिखाई देते हैं और उन ऑब्जेक्ट से दूर जाने पर वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। इस रियलाइजेशन ने वर्चुअल सिमुलेटेड यूनिवर्स को हमारे लिए पॉसिबल बनाया। इसके बाद सन 2003 में इस थ्योरी को इसकी करंट फॉर्म देने का काम निक बोस्ट्रोम ने किया। 2003 में फिलोसफर निक बोस्ट्रोम ने एक त्रिलिमा का आइडिया रखा जिसे उन्होंने सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट कहा। नाम के बावजूद बोस्ट्रोम के सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट्स डायरेक्टली इस बात से आर्ग्यू नहीं करते कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। इसके बजाय बोस्ट्रोम के त्रिलिमा इस बात से आर्ग्यू करते हैं कि तीनों आर्ग्यूमेंट्स में से एक असंभव व्यतीत होने वाला आर्ग्यूमेंट लगभग निश्चित रूप से सच है। पहला, ह्यूमन लेवल सिविलाइजेशन का वो हिस्सा जो एक पोस्ट ह्यूमन स्टेज तक पहुंचेगा, जो कि हाई फिडेलिटी एंसेस्टर सिमुलेशन चलाने में कैपेबल होंगे, वो शून्य के बहुत करीब है। दूसरी, पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो हिस्सा जो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या उसकी वेरिएशन की सिमुलेशन चलाने में रुचि रखते होंगे, वो शून्य के बहुत करीब हैं। तीसरी, हमारे तरह के एक्सपीरियंस वाले सभी लोगों का वो हिस्सा जो सिमुलेशन में रह रहे हैं वह एक के बहुत करीब है। बोस्ट्रोम ने दावा किया कि अगर थर्ड आर्ग्यूमेंट उन तीनों में से एक है जो सही है और हमारी तरह के एक्सपीरियंस वाले सभी लोग सिमुलेशन में रहते हैं तो हम निश्चित रूप से एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। बोस्ट्रोम का कहना है कि वह पर्सनली कोई मजबूत आर्ग्यूमेंट नहीं देखते कि तीनों त्रिलिमा आर्ग्यूमेंट्स में से कौन सा सच है। अगर पहला सही है तो हम पोस्ट ह्यूमन स्टेज तक पहुंचने से पहले निश्चित रूप से विलुप्त हो जाएंगे। अगर दूसरा सही है तो अवश्य होगा कि एडवांस सिविलाइजेशन के बीच एक स्ट्रॉन्गर कन्वर्जेंस होगा ताकि वास्तव में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो एंसेस्टर सिमुलेशन चलाने की इच्छा रखता हो और ऐसा करने के लिए फ्री हो। अगर तीसरा सही है तो हम निश्चित रूप से एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। हमारे यूनिवर्स के एक कंप्यूटर सिमुलेशन होने का ये आइडिया पहली बार सुनने पर पूरी तरह से बेकार लगता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानने पर हमें ये उतना ही रियल होता दिखाई पड़ता है। हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, हम उसे देखते हैं या उसे स्मेल करते हैं या उसे हमारे सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी चीज को देखना या उसे स्मेल करना या उसे हमारी सेंसेस से ऑब्जर्व करना, ये हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी जो सब्जेक्ट पर बेस्ड है। ये सब्जेक्टिव रियलिटी दुनिया को देखने का हमारा व्यू हमारे दिमाग में क्रिएट करती है, लेकिन क्या आप साबित कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी है? यह एक ऐसी रियलिटी है जो हमारी नॉलेज से इंडिपेंडेंट है, एक ऐसी ओवर अचीविंग रियलिटी जो हमारी उन सभी सब्जेक्टिव रियलिटीज को घेरती है जो हमारी ऑब्जर्वेशन के बिना मौजूद हैं। हालांकि यह काफी कंफ्यूजिंग है, आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को ऑब्जर्व किए बिना यह नहीं जान सकते कि वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में एग्जिस्ट करती है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं बाहर गया और मैंने कहा कि बाहर बहुत ठंडी है और आप बाहर गए और आपने कहा कि बाहर बहुत गर्मी है, तो यहाँ हमारी सब्जेक्टिव रियलिटीज अपना रोल प्ले करती हैं। इससे ऐसा लगता है कि दो अलग अलग दिमाग, दो अलग अलग लोग एक ही वस्तु को कई तरीकों से देख सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी में हम दोनों की ऑब्जर्वेशन में से एक की परवाह किए बिना बाहर या तो ठंडी होगी या फिर गर्मी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक और बड़े सवाल को हमारे सामने खड़ा करती है कि क्या हमारे दिमाग के बाहर कुछ एग्जिस्ट भी करता है। इस सवाल के आंसर को जानने के लिए हमें हमारे बचपन में जाना होगा। हमारा बचपन हमें इस बारे में जानकारी देता है कि हम कैसे सीखते हैं, कि हमारा दिमाग कैसे विकसित होता है और हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी खिड़की के बाहर क्या है, तो आपको एक पेड़ या कोई अन्य घर दिखाई दे सकता है, या हो सकता है कि आपको आपकी खिड़की के बाहर एक कार या बाइक दिखाई दे, लेकिन आपको यह जानने के लिए फिजिकली देखने की आवश्यकता नहीं है कि वो चीजें वहाँ पर मौजूद हैं। इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस के रूप में जाना जाता है। यह एक तरह की नॉलेज है कि ऑब्जेक्ट तब भी वहाँ मौजूद है जब हम उन्हें किसी भी तरह से देख नहीं रहे हैं। हालांकि हम इस स्किल के साथ पैदा नहीं हुए हैं,
यह एक ऐसी स्किल है जो समय के साथ विकसित हुई है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ये सीख जाते हैं कि कुछ चीजें तब भी वहाँ मौजूद रहती हैं, जब हम उन्हें देख नहीं रहे होते। लेकिन आप इस बात पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? ये आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी है, ये आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से है कि आप कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने हाथ को देखिए। आप जानते हैं कि आपका हाथ एटम से बना है, लेकिन आप वास्तव में उन्हें देख नहीं सकते जब तक आप उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए किसी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल ना करें। माइक्रोस्कोप्स की मदद से वास्तव में इन एटम्स को देखा जा सकता है। हम उन्हें तब तक नहीं देख सकते जब तक कि उन्हें करीब से देखा ना जाए। अगर यह सच है तो यह यूनिवर्स के सिमुलेशन को 1,00,000 गुना आसान बना देता है। पूरे यूनिवर्स को अरबों गैलेक्सीज के साथ अरबों लाइट ईयर्स में फैले यूनिवर्स को सिमुलेट करने में जो कंप्यूटिंग पावर यूज होगी वो बहुत ज्यादा होगी। पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन को अपने सब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस को सिमुलेट करना होगा, या शायद सब्जेक्ट को भी। सिमुलेशन को बस इतना काम करना है कि आपको आपके आसपास की दुनिया रियल लगे। जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो आप देखेंगे कि चीजें पूरी तरह से रेंडर नहीं करती जब आप उन्हें देख नहीं रहे होते, क्योंकि वीडियो गेम्स मूल रूप से हमारे खुद के सिमुलेशंस हैं। तो सिमुलेटेड यूनिवर्स एक सिमिलर स्ट्रेटजी को फॉलो क्यों नहीं करेगा? एग्जाम्पल के लिए, अगर हम हबल डीप फील्ड में गैलेक्सीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो उनके हर समय सिमुलेशन में मौजूद होने के पीछे क्या पॉइंट है? यह संभव हो सकता है कि जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं उसके बिट्स और पीसीज हमें उस समय ही विजिबल होंगे जब हम उन्हें देख रहे होंगे। लेकिन उस सिमुलेशन को रन करने के लिए एक सिविलाइजेशन को उस तरह की एनर्जी कहां से मिलेगी? आपने अनियन यानी कि प्याज को तो देखा ही होगा, जिसकी लेयर्स को अगर हम खोलना शुरू करते हैं तो हमें उसके अंदर जाने पर और ज्यादा लेयर्स देखने को मिलती हैं। वैसे ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस पर बेस्ड है, लेकिन एक स्टेलर स्केल पर। अगर हम किसी भी तरह से सूर्य की सारी एनर्जी को इकट्ठा कर लें तो हम उसको लाखों यूनिवर्स को एक साथ सिमुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करने वाले उस स्ट्रक्चर को मैट्रायोश्का ब्रेन या डायसन स्फीयर कहा जाता है। यदि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन एक मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करने में सक्षम होगी, और जो प्याज की लेयरों की तरह कई परतों में सूर्य की एनर्जी को कैप्चर करने में सक्षम होगा, तो उनके पास सूर्य की सारी ऊर्जा अपने यूज के लिए होगी। उनके द्वारा बनाई गई सिमुलेशंस हमारी द गेम ऑफ लाइफ के जैसी ही होंगी, लेकिन एक बहुत बड़े स्केल पर। उनकी हर नई सिमुलेशन और ज्यादा रियलिस्टिक और एक्यूरेट होती जाएगी, लेकिन वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए, जब भी हम एटम को ऑब्जर्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स या अदर पार्टिकल्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम उस पार्टिकल के मोमेंटम और लोकेशन दोनों का पूरी 100% सर्टिनिटी से पता नहीं लगा सकते। इसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। एक पार्टिकल की मास, एनर्जी, पोजिशन और टाइम के बारे में हम जो कुछ भी जान सकते हैं उसकी एक लिमिट है। इसका मतलब कि किसी भी सिमुलेशन में हर चीज को सही ढंग से दर्शाने का कोई तरीका नहीं है जैसे कि वो रियलिटी में थी। आप रियल में रियलिटी की परफेक्ट सिमुलेशन कभी भी नहीं कर सकते। यह हमेशा वास्तविक रियलिटी की तुलना में थोड़ी धीमी होगी। अब आप ब्लैक होल के बारे में सोचिए। ब्लैक होल, जब आप एक ही स्थान पर बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, जो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि वहाँ पर टाइम भी स्लो हो जाता है। यह बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जिसने भी सिमुलेशन बनाई है उसने सिमुलेशन के कुछ हिस्सों को स्लो रखा है ताकि पूरी सिमुलेशन में एक बैलेंस को क्रिएट किया जा सके और सिमुलेशन की पावर को कम से कम रखा जा सके। ये लाइट की स्पीड के लिए भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट वो लिमिट हो जिस पे हमारा सिमुलेटर कैलकुलेशन करता हो। हमारे पास सच जानने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। यह वास्तव में हमारी मदद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को खोजने में कर सकता है। अगर हमारा ये यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो हमें इसमें कुछ ग्लिचेस भी देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने जाना कि कोई भी सिमुलेशन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकती, वैसे ही हमें भी कुछ ऐसी ग्लिचेस देखने को मिली हैं
जो हमारे यूनिवर्स की सिमुलेशन होने की तरफ इशारा करती हैं। सन 2011 में यूरोप में ओपेरा एक्सपेरिमेंट में काम करने वाले रिसर्चर्स ने ये दावा किया था कि उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रिनो की स्पीड को मेजर किया है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल करते हैं। ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई थी, लेकिन जैसे ही यह बात हमें सिमुलेट करने वाली सिविलाइजेशन को पता चले, तो उन्होंने इस ग्लिच को अपडेट के साथ पैच कर दिया। तब हमें पता चला कि वो एक्सपेरिमेंट में यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट की वजह से हुआ था। इसी तरह से मंडेला इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेंज बिहेवियर, डीएनए में कंप्यूटर वायरस का होना और ऐसी ही कई एग्जांपल्स और भी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिमुलेटर ने हमें एक यूनिवर्स के साइज के रियलिटी शो में प्रोग्राम किया हो सकता है, और वो इस खेल के नियमों को मैनिपुलेट करने में सक्षम हैं, सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए। उस स्थिति में शायद हमारी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यह होगी कि हम अपना जीवन जीते हुए हमारे दर्शकों को खुश रखें, इस उम्मीद में कि हमारे सिमुलेटर्स हमारे यूनिवर्स की इस सिमुलेशन को कहीं अनप्लग ना कर दें। यह अजीब कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ खत्म नहीं होते। हमारे सिमुलेटर स्वयं सिमुलेशन हो सकते हैं। एक लिंक्ड सीरीज के बीच सिर्फ एक रैबिट होल, प्रत्येक अलग अलग फंडामेंटल फिजिक्स लॉस के साथ। अगर हम रियल में एक सिमुलेशन में हैं, तो यह एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम जो मेजर कर रहे हैं वह रियल में नेचर के नियम ना होकर वह कुछ इस प्रकार के आर्टिफिशियल सलाह हो सकते हैं जिन्हें उस सिमुलेटर के द्वारा बनाया गया हो। कॉस्मिक रेज के टेस्ट हमारी मदद यह पता लगाने में कर सकते हैं कि क्या हम एक आर्टिफिशियल मैट्रिक्स में कोड की कुछ लाइनें हैं जहां फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज बेंड हो सकते हैं या टूट भी सकते हैं। लेकिन अगर उस सच्चाई को जानने का मतलब यह है कि आप कभी भी यह नहीं जान सकते कि रियलिटी क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं? यहाँ से मुड़ा नहीं जा सकता। अब देखना ये है कि क्या आप नीली गोली लेते हैं या लाल गोली लेते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।